इसके दोनों ग्लास कफन ग्लास है, क्योंकि बहुत जोरदार डिजाइन किया गया है और अंदर पल्सेटर भी आप देख सकते हैं, बहुत अच्छा है। ये वाश ड्रम है, इसमें दो लिंक फिल्टर दिए हुए हैं जिसमें कपड़ों के धागे वगैरह आएंगे वो इसमें इंस्टॉल होंगे। और एक स्पिन कैप और एक नली दिया हुआ है जो कि अपने को इसके थ्रू स्पिन टब और वाश टब में पानी डालने के लिए। इसके बाद अपन को वाश टाइमर दिया हुआ है, उसमें सोक टाइमर भी दिया हुआ है, जिसे कपड़े अपने को गला के धोना है तो उसके लिए टाइमिंग दिया हुआ है 25 मिनट, 33 मिनट और 40 मिनट। यदि अपने को कपड़े नहीं गलाना है तो डेली का टाइम इसका टाइमर है 15 मिनट का। और स्पीड दिया हुआ है डेलिकेट के लिए, जेंटल ऊनी कपड़ों के लिए, नॉर्मल कपड़ों के लिए, स्ट्रॉन्ग के लिए, चद्दर बेडशीट के लिए, जो अपने हिसाब से अपन सेट कर सकते हैं। पतले कपड़ों के लिए डेलिकेट वगैरह, ऊनी कपड़ों के लिए जेंटल, नॉर्मल के लिए नॉर्मल है और स्ट्रॉन्ग पे ज़्यादा गंदे कपड़े। ये सिलेक्टर दिया हुआ है, इसमें वाश का जो पानी निकालने के लिए ड्रेन, उसको पानी निकालने के लिए दिया। ये तीनों बटन वाश के लिए वर्क करते हैं। उसके बाद आता है अपना स्पिन, स्पिन का दिया हुआ है, यहाँ अपने को बता रखा है कंपनी ने कि इसमें कपड़े वगैरह सीधे डालना है, ये टेढ़े मेढ़े नहीं डालना है। यदि अपन टेढ़े मेढ़े डालेंगे तो मशीन क्या करेगी, जिसे चलेगी तो वो बड़बड़ बड़बड़ करेगी, इस प्रकार से तो ये सावधानी अपने को रखना है। और एक स्पिन कैप दिया हुआ है जो कि कपड़े डालने के बाद इसको अंदर लगाना है, इसे लगा के ये डोर क्लोज करेंगे तो ही मशीन चलेगा, जिसे अपन उठाएंगे तो मशीन बंद हो जाएगा। ठीक है, इसके लिए 0 से 5 मिनट का टाइम दिया हुआ है, जिसे चालू करेंगे तो मशीन 5 मिनट तक चलेगी और सुखा देगी। देखेंगे वॉशिंग मशीन का ड्रेन पाइप दिया हुआ है, जो मशीन वाश या स्पिन कोई सा भी चलाएंगे तो इस पाइप को नीचे ही रखना है, ऊपर नहीं रखना है, जिससे कि कभी पानी लीकेज हो तो स्पिन मोटर जलने का चांस रहता है। पावर कार्ड दिया हुआ है और 1 ईयर वारंटी फुल रहती है और 5 ईयर वारंटी मोटर की रहेगी इसमें, बाकी किलोमीटर का न्यू मॉडल है और 5 स्टार।